हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और वर्तमान में हाथियों की दो ही प्रजातियां बची हैं। हाथी अकेला ऐसा जानवर है जिसके चार घुटने होते हैं और वह कूद नहीं सकता। इसके शरीर का सबसे मुलायम हिस्सा उनके कान के पीछे होता है और चमड़ी लगभग 1 इंच तक मोटी होती है। हाथी अपनी सूंड से फर्श पर गिरा छोटा सा सिक्का भी उठा सकता है। हाथी एक ऐसा जानवर है जिसके पास दांतों के दो सेट होते हैं, एक सेट मुंह के अंदर एक सेट बाहर। जो पत्ते व गन्ना वगैरह हाथी भोजन के रूप में खाते हैं उसे अपने मुंह के भीतर वाले दांतों से चबाते हैं। मुख के बाहर दिखने वाले दांत भोजन खाने अथवा चबाने में हाथी की कोई सहायता नहीं करते। तभी तो कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और हाथी की सूंड के दोनों ओर दो लंबे दांत निकले होते हैं, इन्हें ही हम उसके बाहरी दांत कहते हैं। हाथी के ये दांत 6 फीट से भी अधिक लंबे हो सके हैं। अफ्रीकी हाथी के दांत सबसे लंबे होते हैं। अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार हाथी के सबसे लंबे दांत की लंबाई 301 सेंटीमीटर रही है। क्या हाथी के ये दांत केवल दिखावे के ही होते हैं? शरीर का कोई भी अंग मात्र दिखावे के लिए नहीं होता। शरीर के सभी अंग किसी न किसी काम के लिए बने होते हैं। हाथी के ये दांत बहुत मजबूत होते हैं। अपने इन दांतों का प्रयोग वे अपने नन्हे बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। इन दांतों से वे भूमि के नीचे की जड़ों को खोदने का काम भी लेते हैं और ये नुकीले दांत शत्रु से बचाने में उसकी बहुत मदद करते हैं। इनसे वह अपने शत्रु को घायल कर देता है। हाथी की मौत के बाद ये दांत मनुष्य के भी बहुत काम आते हैं। इनसे बहुत सी सुंदर वस्तुएं बनती हैं। इसलिए ही ये बहुत कीमती होते हैं। वयस्क अफ्रीकन हाथी की लंबाई 13 फीट तक हो सकती है, जबकि भारतीय हाथी की लंबाई 10 फीट तक बढ़ती है। अफ्रीकन हाथियों के कान भारतीय हाथियों के कानों से बड़े होते हैं। हाथियों का जीवन काल औसतन 70 साल तक होता है। झुंड का नेतृत्व भी बड़े उम्र के नर या मादा हाथी करते हैं। हाथी के दांत उसके जीवन काल के दौरान बढ़ते रहते हैं। इसकी सूंड ऊपरी होंठ और नाक से जुड़ी होती है। जानवरों में हाथियों का दिमाग सबसे बड़ा होता है। नर हाथी 12 से 15 साल की आयु के बीच झुंड छोड़ देते हैं।